press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, ऑल इंडिया की हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये नोटिफिकेशन आया है वो बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की तरफ से आया है जी। इसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इस जॉब से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन, पोस्टों, डिटेल, संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है। दोस्तों, पोस्ट नंबर एक है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, जिसके अंदर मंथली सैलरी आपको दी जाएगी 42,000 रुपये पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्क, पीजीडी इन हेल्थ केयर और एमबीए मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी यूनिवर्सिटी। साथ ही दोस्तों, आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और साथ ही डिसेबल का मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, पोस्ट नंबर दो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आईटी, जिसके लिए वेतन आपको दिया जाएगा 40,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है एमसीए कंप्यूटर साइंस आईटी, एमबीए और बीटेक या बीई आप क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, पोस्ट नंबर तीन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा 20,000 रुपये पर मंथ। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में, साथ ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए पीजीडीसीए का, और टाइपिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हिंदी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट, 300 वर्ड इन 10 मिनट और इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट और 300 वर्ड इन 10 मिनट। दोस्तों, पोस्ट नंबर चार स्टेट लेवल की पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट की, जिसके लिए वेतन आपको दिया जाएगा 25,000 रुपये पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए पीजीडीसीए का, और साथ ही मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट और 300 वर्ड 10 मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और 300 वर्ड 10 मिनट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, टोटल 38 वैकेंसी है, जिस कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक है वहां से आप देख सकते हैं। पोस्ट नंबर दो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आईटी, जिसके लिए टोटल 38 वैकेंसी है। पोस्ट नंबर तीन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है डिस्ट्रिक्ट, जिसके लिए 38 वैकेंसी है। पोस्ट नंबर चार है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट, जिसके लिए टोटल 12 वैकेंसी है। दोस्तों, एज लिमिट, पोस्ट नंबर एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की है, जिसके लिए एज मिनिमम एज 21 वर्ष, दिनांक 1/8/2019 को, और मैक्सिमम एज जनरल ईवीएस के लिए 40 साल, ईवीएस जनरल वोमेन के लिए 43 साल, बीसी ईवीसी और वोमेन के लिए 43 साल, एससी एसटी और वोमेन के लिए 45 साल एज है। पोस्ट नंबर दो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आईटी, जिसके लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि ये जो एज दी गई 21 साल से लेकर 40 साल, जिसके अंदर 10 साल का रिलैक्सेशन है। पोस्ट नंबर तीन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज जनरल ईवीएस के लिए 28 साल, जनरल ईवीएस वोमेन के लिए 31 साल, बीसी ईबीसी और वोमेन के लिए 31 साल, एससी एसटी के लिए 33 साल। पोस्ट नंबर चार है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट, जिसके लिए 10 साल एज में रिलैक्सेशन यानी छूट दी गई है, ऊपर जो एज दी गई इस एज के
अलावा। दोस्तों आगे है हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करें। दोस्तों आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दो वेबसाइट हैं, आप इनमें से किसी के भी जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2019 सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट और फीस पेमेंट 20 अगस्त 2019 से शुरू हो रही है, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है 12 सितंबर 2019 शाम को 5 बजे, और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 11 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा।